ये क्या? ये मेरा दोस्त मेरे साथ है। अच्छा फ्रेंड्स, आपने विटामिन ए बी सी डी ई और के बारे में तो सुना ही है, लेकिन आज मैं नया विटामिन बताने वाला हूँ। कौन सा विटामिन? विटामिन एच है। विटामिन एच वीडियो तक जरूर देखना, मैं आपको बताऊंगा विटामिन एच के बारे में। हाय फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं विटामिन चैलेंज, मतलब हेल्दी चैलेंज। हमें आज करने का मन नहीं है। हाँ, पिज्जा बर्गर नूडल्स ऐसा कुछ लाओ ना। हमेशा अनहेल्दी नहीं करते रहेंगे, कभी कभी हेल्दी भी करना चाहिए, है ना फ्रेंड्स? आप सब रेडी हो ना? आज आईपीओ को अपन हेल्दी 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 ही खिलाकर रहेंगे। हेल्दी के आगे आप बस अन खिला दो। हाँ, अन खिला दो। अन्नी तो खिलाऊंगी मैं। अन मींस क्या होता है? अनाज। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको हेल्दी फूड पसंद है या अनहेल्दी। अनहेल्दी खाओ, पर हेल्दी भी खाओ ना। सबसे पहले कौन करेगा? आयु छोटा है। नो चलो विटामिन ई के सामान ले आओ पापा। अच्छा विटामिन ई आ गया। विटामिन ई के बेनिफिट्स बताओ। बताओ पिगू। कुछ तो है। कुछ तो है। पता है विटामिन ई खाने से क्या होता है? हम यंग लगते हैं और हमारे बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। विटामिन ई से न्यू सेल्स बनते हैं जो हमें सब तरफ से फायदा करते हैं, इसलिए हमें डेली विटामिन ई लेना चाहिए। लेकिन आएगा क्या ये तो बताओ। अब वो तो पापा के ऊपर डिपेंड है, पापा चैलेंज में क्या ला रहे हैं। है ना, अब आयु क्या चूज करेगा? नंबर वन नहीं, अब तो मैं चूज करूंगा नंबर टू। नहीं, जो चिट चूज करेगा वही नंबर भी चूज कर ले, इसके अंदर मिक्स नहीं करो। मुझे ये तो जिसने चिट चूज कर ली उसके लिए डबल बेनिफिट। तो फिर सेकंड टाइम पीयू दीदी का है, आप क्या सोच रहे हो, हमेशा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आयु बताओ क्या चूज कर रहे हो, वन या टू? नंबर टू। अरे वाह, आयु की तो आए हैं आलमंड बादाम। मेरे क्या है? पीनट बटर। पापा स्पून तो दे देते। वहाँ रखा है पास में। मैं को भी थोड़ा बोल दूँ। पीनट बटर की तो स्मेल इतनी अच्छी होती है। वैसे मुझे ना आलमंड बहुत पसंद है। पता है फ्रेंड्स, कीवी मैंगो पम्पकिन और बेरीज में भी विटामिन ई होता है, आप अपने डेली डाइट में इनको जरूर इंक्लूड करना। मम्मा जरूर खाती है मैंगो। हाँ मम्मा, तो मैंगो तो मैं डेली सुबह शाम खाना है, खाना नहीं खाऊं पर मैंगो जरूर खाऊंगी। चलो नेक्स्ट राउंड करना है। हाँ पापा, आपको मेरे मैंगो से क्या चिढ़ है? पता नहीं, मुझे मम्मा से मम्मा से ही चिढ़ है। प्रॉब्लम तो मम्मा से है। ठीक है, तो चलो तुम अब नेक्स्ट चिट चूज करो। मैं कर रही हूं विटामिन सी। वाओ, सी फॉर कैट। तो अब कैट बन लिया ना। ब्यूटी दी कैट। अब मुझे बताओ विटामिन सी से क्या बेनिफिट होता है? बेनिफिट होता है। बेनिफिट मुझे तो पता है, विटामिन सी से हमारी स्किन बहुत ग्लो करती है और हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग बन जाती है। लेमन विटामिन सी का है। लेमन होता है और ऑरेंज होता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, उन सब में विटामिन सी होता है। अभी तो अभी तक खाए चल रहे। लाओ पापा। विटामिन ई खत्म नहीं हुआ ना अभी। विटामिन ई खत्म नहीं हुआ, विटामिन सी भी आ गया। पीयू चूज करो नंबर टू। नंबर टू आयु के आया है नंबर वन। पपाया आयु के आया है कैप्सिकम। और आयु इसको पूरा फिनिश करेगा। आयु का ये फेवरेट है, बहुत पसंद है आयु को, डेली खाता है ये। चलो आयु के साथ मम्मा भी खाएगी कैप्सिकम। आप लगा हो? ओके, मैं बहुत कम खाऊंगा। आप भी सोचो कि आप फिंगर टिप्स खा रहे हो, आईज क्लोज कर लो। इसको भी कर, इसको भी ऐसे करो। तो फिर बताओ विटामिन सी कैसे मिलेगा? और हाफ सी मिल जाएगा। हाफ सी मिल जाएगा। ये एलोवेरा जैसा लग रहा है। कुछ भी नहीं होता है। ऐसा सोचो एप्पल खा रहे हो। एप्पल हो, एप्पल की स्लाइस जैसा है। पीयू का पीयू भी अपना पपाया खाने में लग गया। खाया ही नहीं क्या बोलती थी? पपीता खा लो पेट साफ हो जाएगा।
क्योंकि पपीता खाने से डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए डेली पपीता भी खाना चाहिए। ऐसे तो पता नहीं बहुत सारी चीजें हमें जो डेली खानी चाहिए, लिस्ट बना लो। ये मंडे को, वो ट्यूसडे को, ये वेडनेसडे को, मैं खत्म कर रहा। देखो आयु ने ये बचा दिया विटामिन सी का। चलो पापा लाओ। फ्रेंड्स मजा आ रहा ना चैलेंज करने में? हाँ बहुत मजा आ रहा है और नई नई चीजें भी मिल रही सीखने में। तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं और आयु ने अच्छे से विटामिन सी नहीं खाया ना, तो अब ये टर्न में पीहू को मिलता है। पीहू लो। ओके ये तो मेरे से चीटिंग हो रही है। क्या बात होती है? चीटिंग हो रही है फ्रेंड्स, इसने अच्छे से आपके सामने नहीं खाया ना, इतना सब स्लाइस खाया विटामिन सी की। और अभी फेवरेट चीज आती है ना तो गपा गप कहां जाता है पता ही नहीं चलता। डी, विटामिन डी। पता है फ्रेंड्स विटामिन डी हमारी मसल्स, बोन और टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है। पापा क्या आइटम ला सकते हैं विटामिन डी से? सनलाइट। पापा सनलाइट खिलाओगे आप हमें? हाँ हाँ चलो बाहर चलो। फ्रेंड्स मैं बाहर आ गई क्योंकि विटामिन डी का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट। मॉर्निंग में 7 to 9 सबसे बेस्ट टाइमिंग है सनलाइट लेने का, इसीलिए स्कूल में प्रेयर टाइम यही रहता था ताकि सब बच्चों को सनलाइट बहुत अच्छे से मिल जाए। पर अभी तो स्कूल चालू नहीं है तो आप सबको डेली बाहर निकलना है और सनलाइट लेनी है, मतलब विटामिन डी, ये वाला ग्रीन ग्रीन विटामिन। विटामिन के। पापा विटामिन के से क्या लाओगे? कैसे करेले में? पापा करेले हाँ, और लाओ तो मम्मा को खिला। अरे कौन बोला करेले में विटामिन के है? तो किस में होता है पापा, वो ले आओ। चलो तो विटामिन के खाओ और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। और विटामिन के है ना बच्चों को स्पेशली जरूर खाना चाहिए, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं और गिर जाते हैं कई बार, तो उनके जो चोट लग जाती है ना वो फटाफट हील हो जाती है। अब तो विटामिन के हम डेली खाएंगे है ना आईपीयू? अगर ये नहीं भी खाएंगे ना तो मैं इनको पकड़ पकड़ कर खिला दूंगी। चलो देखो क्या चूज क्या कर रहे हो? आयु करेगा। आयु बताओ। बहुत सोचता हूँ करेगा इस बार तो। वो वाला कर ले। इतना सोचोगे? वो वाला कर रहा है। खोलो आयु। आयु के निकला है वॉलनट और मेरा निकला है पोमेग्रेनेट अनार। मम्मा कितना मस्त चैनल चल रहा है ना, आयु कह रहे ड्राई फ्रूट्स और मेरे आ रहे फ्रूट्स। और पता है विटामिन के और किस किस आइटम में होता है? कुछ मत। सारी की सारी ग्रीन वेजिटेबल्स में, जो लीफ वाली वेजिटेबल्स होती है ना उन सब में, तो डेली हमको ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए, जो मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ। आप भी फॉलो कर रहे हो ना? ये तो नहीं करते ना, मैं जबरदस्ती खिलाती हूँ, आप भी खाया करो। और वॉलनट की एक स्पेशल चीज बताऊं, इससे दिमाग की पावर भी इम्प्रूव होती है। देखो इसका शेप भी अपने ब्रेन जैसा होता है। तो चलो अब नेक्स्ट राउंड करें। अभी कितने विटामिन बाकी हैं? 2। और पापा बस एक स्पेशल विटामिन और है। 6 ही तो विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई और के। मैंने नया बनाया। नया बनाया? चल ठीक है, चैलेंज के बाद बताना सबको। ठीक है नया आपको चैलेंज। कोई विटामिन ऐसे बन जाते हैं क्या? अच्छा 4-5 मैंने भी बना रखे हैं, तू भी बना दे। विटामिन बी। चलो पीहू आपका टर्न। विटामिन बी। पता है फ्रेंड्स विटामिन बी अकेला विटामिन नहीं है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें विटामिन 1 से लेकर 12 तक के, 1, 2, 3, 12 तक के विटामिन चलते हैं। मम्मा की तो साइंस क्लास चल रही है मुझे लग रहा है। पापा को ना मेरी साइंस से प्रॉब्लम है, पापा सोचते हैं कि मैंने साइंस पढ़ी नहीं है। पता है मुझे होम साइंस पढ़ी है। होम साइंस पढ़ी, पर अगर मैं चैलेंज करा रही हूँ तो उसके बारे में कुछ नॉलेज लेकर तो बैठी होंगी ना, ऐसे तो नहीं बैठगी ना। मैं चूज करूंगी। चूज करेगी। कर लिया। कर लिया। खोलो। ओपन। ओपन। दूध। मिल्क। मेरा क्या है? प्लीज कुछ अच्छा। रुक जाओ, मैं अकेला नहीं खाऊंगा इसको, मेरे फ्रेंड भी खाया। दीदी अब अपना विटामिन बी और दूध एंजॉय करो, मैं मेरे फ्रेंड को लेके आता हूँ। फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड? अरे मैं लाता हूँ। ये कम पड़ जाएंगे ना, फिर और सारे लाऊं? नहीं। अरे
ये क्या? ये मेरा दोस्त फ्रेडरिक है। अच्छा, तो आज आयु और हमारा व्हाइट चॉकलेट दोनों एक साथ खाने वाले हैं। अलग टेबल पे बिठा। पहले मैं खा लेता हूँ, फिर वो खा लेता। नहीं, मैं आपके लिए अलग रख लेती हूँ। ठीक है, टेबल पे बिठा। व्हाइट चॉकलेट लो बेटा, व्हाइट चॉकलेट खाओ। फ्रेंड्स, आपको मिला था ना व्हाइट चॉकलेट से, ये आ गया। ये मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, जितने ग्रीन वेजिटेबल खिलाओ ना उतने खा लेते हैं। हैं? हमने कब खाए? मैं ना व्हाइट चॉकलेट और ब्राउन चॉकलेट की बात कर रही हूँ। और हम ये दोनों नहीं खाते, इनको पकड़ पकड़ कर खिलानी पड़ती है। अब एक तो आयु भी खाएगा ना। हाँ, आयु तो आयु भी खाएगा, आयु तो भी खिलाओ। देखो, मैं अपने दोनों बच्चे, आयु तो बस इसी तरह खा। लग रहा है ना आयु भी रैबिट। उस छोटू को भी ले आता, वो भी खा लेता। ब्रह्म को अगले चैलेंज में लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब है लास्ट राउंड। अब गेस करो कौन सा विटामिन बचा है। कौन सा? आयु। आयु का टर्न है। तो चूस है तो एक ही उसमें। वैसे चूस का विटामिन ए, हमारा फर्स्ट वाला विटामिन आयु। ए फॉर आयु। इसमें लकी मैं होने वाला हूँ। हाँ, हो सकता है। मेरे को फीलिंग आ रही है ऐसी। फीलिंग? अब ये मैं, चलो अब पीले वाला लेते हैं। पीले वाले में हमेशा अच्छा होता है। इस बार अच्छा ये ले रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है क्या? आयु को ऐसा डाउट है कि पीयू वाले में हमेशा अच्छा होता है। तो चलो देखते हैं। चीज देखो, मेरे प्लेन ये बन मेरे आया टमाटर। वैसे फ्रेंड्स, मैं चीज बहुत अच्छा खाता हूँ, लेकिन मैं ऐसे प्लेन नहीं खाता। पिज्जा के साथ, सैंडविच के साथ, बर्गर के साथ, चपाती के साथ। आज प्लेन भी खा लो, मम्मा के साथ खा लो। चीज डोसे भी खाते हैं यू। चीज डोसा अकेले क्यों खा रहे हो? अब मम्मा के साथ खा रहे हो, भी दीदी के साथ खा रहे हो। चलो जल्दी से खा लो। विटामिन ए से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? इससे आईसाइट इंप्रूव होती है, जो पीयू के लिए तो बहुत जरूरी है, और इम्यूनिटी बढ़ती है। विटामिन ए हमें मिलता है स्वीट पोटैटो में, कैरेट में, ग्रीन वेजिटेबल में और वाटरमेलन में। तो हमें डेली इसको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। तो अब आज हम एक चार्ट बनाएंगे, विटामिन ए बी सी डी ई, इन सब के ए और के बी, इन सबको हम अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करेंगे। अब एक तो भूलेंगे, मेरा स्पेशल उसको भी करेंगे। हाँ, आयु का स्पेशल वाला विटामिन, विटामिन का नाम तो बता दो। विटामिन एच। विटामिन एच तो मेरे पापा वो वाला ले आओ। ले आऊं? हाँ ठीक है, ये लो। आ गया, ये आयु का एच है। विटामिन एच आयु का है? सबका अलग अलग होता है। हाँ, और मैं ना एग्जांपल से देता हूँ उसके। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कर क्या रहे हो, इतना कंफ्यूजिंग है। ओके, तो खोल दे। 1 2 3 ये है इसके एग्जांपल। विटामिन एच में अच्छे एग्जांपल। मैं आपको विटामिन एच का मतलब बताऊं? उसका मतलब होता है विटामिन हैप्पीनेस, जिससे हमको खुशी मिलती है। अच्छा, हाँ, कुछ कुछ चीजें तो हमें हैप्पीनेस के लिए भी खानी चाहिए, क्योंकि वो भी हमें हेल्दी बनाती है। पर मेरी हैप्पीनेस? आपकी हैप्पीनेस आयु के साथ साथ है। मतलब मैं चॉकलेट खा लूं? अरे स्टार्ट तो करो। अच्छा, पापा मुझे मनी दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि मम्मा मनी से खुश होती है। हाँ, शॉपिंग करने जाना होता है ना, 100 रुपए में शॉपिंग कर लेना और खुश हो जाना। जब नोट दे ही रहे थे तो 100 की जगह 1000 दे देते। वो बंद हो गया। 200 दे देते। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैलेंज में। फ्रेंड्स, तब तक मैं एंजॉय करती हूँ पिज्जा और आयु करेगा चॉकलेट। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और आज आप भी विटामिन एच जरूर खाना। हाँ, और सारे विटामिन भी खाना। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय बाय।